Question number 3, we have drawn a line which is making an intercept A on x axis and B on y axis. The equation of line in intercept form. क्या होती है? ये हमें निकालना है। उसने बोला क्या है? ऐसी लाइन की क्वेश्चन निकालो जिसका जो इंटरसेप्ट जो बन रहे हैं, उस इंटरसेप्ट का सम 1 है और प्रोडक्ट -6 है। तो अकॉर्डिंग फॉर कंडीशन a प्लस b 1 एंड a इनटू b -6, ओके। अब a और b की वैल्यू निकालने तो हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा। हो सकते हैं a और b की दो वैल्यू निकले, दो निकलेंगी तो एक आंसर भी दो आएगी। यहाँ से b निकाल लो -6 by a, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा? a -6 by a is equal to 1, a square -6 is equal to a, a square minus a minus 6 is equal to 0. इसके फैक्टर कर दो डायरेक्ट। इसके फैक्टर आएंगे a minus 3 into a plus 2. a की वैल्यू एक तो आएगी 3 और एक आएगी minus 2. दोनों से आंसर निकलेगा, ठीक है? तो देखो पहला पार्ट। If आप a अगर 3 लेते हैं, अगर a आप 3 लेते हैं तो -6 by 3 कितना आएगा? -2. Then equation of line x by a plus y by b is equal to 1, a और b निकालना था इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने के लिए। तो x by 3 plus y by b, तो b की वैल्यू -1 is equal to 1. डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम इनटू करा करो तो पूरा 2 और 3 हट जाएगा। 6 से इनटू करो, यहाँ पे आएगा 2x, 6 से इनटू कर रहे हैं ना, 2 3 का एलसीएम 6 से इनटू करो 2x -3y इज इक्वल टू 6, ठीक है? दूसरा पार्ट, अगर आप a लेते हैं -2 तो b आएगा 3, या -2 रखेंगे तो b आएगा 3, तो इक्वेशन होगी x by -2 बोलो प्लस y by 3 इज इक्वल टू 1, फिर मल्टीप्लाई बाई -6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 3x -2y इज इक्वल टू -6 या +6 इज इक्वल टू 0, ओके?